हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस 2020 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये अभी कोई वैकेंसी अभी आउट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं और क्या क्या चीज़ें हम चैनल पर डिस्कशन करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स देखेंगे, जो कि अभी तक चल रहा था, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अभी उपलब्ध है। तो रिटन जो एग्ज़ाम था उसमें आप लोग देख सकते हैं कि 85% मार्क्स का जो होगा वो रिटन टेस्ट होता था। इंटरव्यू 10 मार्क्स का होता है। स्पेशल जो क्वालिफिकेशन थी 5 मार्क्स उसके लिए अलॉट किए गए थे, और PhD एंड अगर आपके पास डीप फिल डिग्री है तो 2% मार्क्स होंगे, और MEd डिग्री और BEd डिग्री के 2% और 1% मार्क्स थे अभी तक। आगे देखते हैं कि अगर पैटर्न ऑफ रिटन एग्जाम की बात अगर हम करेंगे तो दो आप लोगों के पास में सेक्शन होंगे। इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज आएगी, उसमें अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे काम करना जरूरी है। और दूसरा है यूसेस ऑफ टेंसेस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन। अगर बात करें पूरा तो ये ग्रामर पोर्शन है आप लोगों का। उसके बाद आगे आते हैं और लिटरेचर पोर्शन पे बात करते हैं कि हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। ऑथर्स एंड वर्क्स, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम एंड पीबी शैली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नॉल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, नजीम एजकेल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉकनर एंड विलियम शेक्सपियर हैं। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो TGT एंड PGT का जो भी आपका जितना भी सिलेबस है उसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7409287156 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको इनके कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी रखिए, आगे आने वाले टाइम में जब भी वैकेंसी आएगी तो हम एक काफ़ी लंबी सीरीज इस पर चलाएंगे जिसमें कि आप लोगों को हेल्प हो पाए। दूसरा, अब बात करते हैं TGT के सिलेबस की। तो लैंग्वेज जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग देख सकते हैं कि सेम है, बस आपको ग्रामर, जब भी हम इंग्लिश एज एन इंग्लिश टीचर की बात करते हैं कि इंग्लिश टीचर कौन बनेगा, तो उसमें 2 पोर्शन हमें पता है कि आप लोगों के पास ग्रामर और लिटरेचर दोनों पर आपकी कमांड होनी चाहिए। डिफरेंट जितने भी आप लोगों की वैकेंसीज होती हैं डिफरेंट स्कूल्स की, उसमें अलग अलग सिलेबस तो होता है, लेकिन उसमें ये कॉमन होता है कि आपका ग्रामर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो पहली शर्त जो है वो है आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने का, और दूसरा है कि आप लोगों का जो लिटरेचर है उसका आपको साउंड नॉलेज होना चाहिए। तो ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी, ये 4 आप लोगों के पास में राइटर्स होते हैं। लेकिन साथ साथ में मेरा मानना ये है कि आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से आ जाते हैं, वो इनसे बाहर पूछ लिए जाते हैं, या इनके जितने वर्क्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं इसलिए वो पूछ लिए जाते हैं। तो सिर्फ आप शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी को ही पढ़ के ना जाएं। आपको मैं ये भी सजेशन दूंगा कि लिटरेरी टर्म्स आप लोगों को अच्छे तरीके से कर लेने चाहिए। तो होपफुली कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू वांट टू जॉइन माय चैनल यू कैन सब्सक्राइब चैनल, एंड सून देयर विल बी, आई एम डूइंग हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर राइट नाउ, सो वी विल बी डूइंग मोर वीडियोज रिलेटेड टू लिटरेचर एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश लिटरेचर। Thank you for watching. Bye-bye. Take care. See you in next video.